डिब्रूगढ़ को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 1910 लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस। सर आ चुका है फाइनली। चलो 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 गाइस, रनिंग करते हुए। अरे भाई स्टेशन प्लेटफॉर्म पार कर देगा शायद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फाइनली आ चुका हूँ जेड स्टेशन रेलवे स्टेशन में। और जेड डिस्ट्रिक्ट से सामित लक्ष्टर बोल के एक बंदा सक्सेसफुली लंदन से 2019 में वो किक बॉक्सिंग में विनर होकर आए हुए थे और इस साल फिर से नेशनल किक बॉक्सिंग में विनर हो चुका है। और सामित लक्ष्मण ने हमारा आसाम को और साथ साथ हमारा भारत को भी, और कुछ देर बाद में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, साथ आने वाला है। और कुछ देर बाद में हम लोग इसीलिए स्टेशन में वेट कर रहा हूँ के लिए, तो आप लोग इसी वीडियो में बने रहिए। और सो गाइस, इतना टाइम वेट करने के बाद और फाइनली आ चुका है अवध असम। और इसी अवध असम में आने जा रहा है हमारा शख्सियत और हमारा विनर सर सामित लक्ष्मण, और गुवाहाटी से इसी अवध असम में आने जा रहा है। और आ चुका है फाइनली, ट्रेन आ चुका है, स्टेशन 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आ चुका है। और हम लोग वेलकम करेंगे और कुछ देर बाद इस वीडियो में बने रहिए। किक बॉक्सिंग में विनर होके आया हमारा हुजाई डिस्ट्रिक्ट में और फाइनली आ चुका है, देख सकते हो। और हम ट्रेनर रनिंग करते हुए जा रहा हूँ, 10 अभी पकड़ेंगे। सर आ चुका है फाइनली, चलो 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 गाइस, रनिंग करते हुए। अरे भाई स्टेशन प्लेटफॉर्म पार कर देगा शायद। ये रहा भाई, वेलकम और आपको स्वागत करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन दादा, ठीक कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत ही अच्छा लगा। ये रहा हमारा समत भाई, नाम रोशन करके आ चुका है अभी फाइनली, और सर को स्वागत करेंगे असम फुलम गमसा से। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन समत भाई, बहुत ही अच्छा लगा। आप कैसे हो? पहले ठीक हूँ, 3 दिन का सफ़र था, थोड़ा सा वीक हुआ, अभी ठीक है। अभी अच्छा है? लगा मतलब आप लोग को मिल के, बस सबको मिल के बहुत अच्छा लगा। अभी मतलब जो मतलब थकान था वो ठीक हो गया। ठीक है। और अरे आप दिल्ली से? दिल्ली से। हाँ। और खेल कहाँ पे हुआ था किंग बॉक्सिंग? वो दिल्ली तहलका ट्रेन इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेशन, वहाँ से आया और बहुत ही अच्छा लगा। हमको सिल्वर मेडल मिला किंग बॉक्सिंग इवेंट में, बहुत ही अच्छा लगा। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब लोगों को क्या कहना चाहते हो? अच्छा लगा, बहुत दिन बाद 3 साल बाद खेला, बहुत अच्छा लगा। पहले लॉकडाउन के वजह से खेल नहीं पाया, बीच में कोरोना हो गया था, सब ठीक ठाक हुआ, अभी फिलहाल अच्छा हुआ, अगला दिन भी और अच्छा जाएंगे। बहुत ही अच्छा है, करता हूँ आप और आगे तक जाए। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा लगा, सुना था कि आप 2019 में पहले आप लंदन में जा किक बॉक्सिंग विनर होके आए थे। हाँ। और इस बार फिर से 2022 में। हाँ। शायद दिसंबर महीने में, कितना तारीख में गेम? हम लोग मतलब 13-15 दिसंबर। हाँ। दिल्ली में गेम हुआ था। हाँ। 3 दिन दिल्ली में वो भी गेम क्या है, नेशनल था या इंटरनेशनल? नेशनल था। इंटरनेशनल से नहीं, नहीं नेशनल, नेशनल नेशनल था ना। हाँ। और वहाँ से शायद भारत का हर एक स्टूडेंट आया था, आया था, भारत का हर एक स्टेट से भी आया था, आया था। और वहाँ पे नेशनल गेम यह था। और वहाँ पे आप कौन से स्थान में हासिल किए थे? मतलब मेरा जो इवेंट हुआ था वो -60 किलो। हाँ। वो -60 किलो में मैं किक बॉक्सिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और सिल्वर मेडल जीता हूँ। सिल्वर मेडल। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे अपन से भी। और इस साथ साथ हमारा असम को तो नाम रोशन करके आ चुके हो। कब से ये इसी गेम में स्टार्ट किया, ज्वाइन किया? मैं इस गेम में तो 2013 या 2014 से शुरू किया था। उसके बाद 2 टाइम मैं नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ, 1 टाइम एशियन चैंपियन रह चुका हूँ। उसका वर्ल्ड जो वर्ल्ड गेम हुआ था 2019 में लंदन में, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है अभी फिलहाल। ये अगला है
आपका दो इंटरनेशनल इवेंट होगा, एक नेपाल में होगा और एक यूएसए में होगा, उसमें भी पार्टिसिपेंट करेंगे। और ये जो आपने जो गेमिंग में प्रैक्टिस किया था पहले, कहाँ पे प्रैक्टिस? हम जोरहाट में करते थे। जोरहाट में ना, जोरहाट में आप वहाँ पे रहते हुए वहाँ से प्रैक्टिस किया और वहाँ से सिलेक्शन मिल के आपको डायरेक्ट आपको पहली बार आपको लंदन में मिल गया? नहीं, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट गेम बहुत बार खेल चुका हूँ, उसके बाद स्टेट गेम खेला, उसके बाद नेशनल दो बार खेला, उसके बाद एशियन गेम खेला, उसके बाद वर्ल्ड गेम खेला। बहुत ही अच्छा लगा। और आप भारत का स्टूडेंट कैटेगरी लोगों को और कोई भी गेम खेलने वाला लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? अपना खेल पे ध्यान दे, खेल खेलते जाए। आज कोई किसी को कुछ खेल में क्या होता है, हार जीत होता है। मेरा हिसाब से जो खेल में हारता वही जीतता है, क्योंकि हारने से क्या होता है, अपना आपको मतलब वो होता है जो हम क्यों हारा, क्यों प्रैक्टिस कम किया ना ज़्यादा किया, तो अगला टाइम मतलब और अच्छा होता है। जीतने से क्या होता है, हम जीत गए अगला साल भी जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। हारने से आदमी जीतता है। हाँ, और मेरा मानना है। और बहुत सारा लोग तो फेल होने के बाद वो लोग ट्राई नहीं करते। हाँ, इसी लोगों को आप क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, मैं जब पहले खेल मतलब स्टार्ट किया था, एक बार मैंने गेम का बीच में नॉकआउट हो गया, मेरा ये टूट गया था। उसके बाद से मेरा मतलब कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, नहीं मैं खेलूँगा। वो आप तो ये जीत कर हासिल किया, मतलब आपका कॉन्फिडेंस था, नहीं मैं हारने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो आपका साथ वो अच्छा मतलब एक्टिविटी था, इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव होकर ही रहना चाहिए, तभी क्या होता है आप कुछ कर सकते हैं आगे में, कुछ कर सकते हैं। ये आज हकीकत भी हो चुका है। आज आप तो राजधानी न्यू दिल्ली में भी आप जीत के हासिल करके आए हैं और आज प्रो हो चुका है, देख सकते हो गाइस आप लोग। ये हमारा लिए बहुत ही गौरव विषय है और हमारा डिस्ट्रिक्ट हुजा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है हमारा दादा, और इसीलिए हम भी बहुत प्राउड फील करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा दादा, बहुत रियली प्राउड करता हूँ आपको। हमारा देश का नाम रोशन करके आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। आपका नाम में आप साबित लश्कर का मैं गूगल में सर्च किया तो गूगल में भी आया था, इन्फॉर्मेशन मैंने लिया था, बहुत ही अच्छा लगा भाई। ऐसे उम्मीद करता हूँ आप और आगे तक जाइए और आगे तक और गेम में आप गोल्ड मेडल जीत के भी आइए। वो सबका आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। और ठीक है, ब्लॉग देख लीजिए और एक शेयर मार लीजिए, और जो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इतना बड़ा शख्सियत के पास मैं मौजूद हूँ आज, मैं भी बहुत इलाकी फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। आपसे भी बहुत मेरे को सीखने को मिला है, पॉजिटिविटी मिला है, बहुत ही अच्छा है। और सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय आए होम, टाटा बाय बाय।